अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज ताहिर एंड यू आर वाचिंग जस्ट पब्लिक टीवी। सो गाइस, जिस तरह से आप देख रहे हैं, मैंने आज अना इंटीरियर शोरूम पे विजिट किया है, जहाँ पर फर्नीचर अवेलेबल है। हमारी ऑडियंस की डिमांड पे मैंने यहाँ पर विजिट किया है। हम शोरूम के अंदर चलते हैं और आपको दिखाएंगे कि कराची पाकिस्तान में इस वक्त कौन सा फर्नीचर ज़्यादा इन है और लोग क्या खरीद रहे हैं। तो आप हमारे साथ रहिएगा। जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये एंट्रेंस है शोरूम की। तो गाइस, फाइनली हम शोरूम के अंदर आ चुके हैं और हमारे साथ भाई हैं, हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम सर जी, क्या नाम है आपका? शब्बीर। शब्बीर, नाइस नेम शब्बीर भाई। और माशाल्लाह से शब्बीर भाई, आपका शोरूम भी बहुत ज़बरदस्त है और आपके पास माशाल्लाह से फर्नीचर भी बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। सो आप हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा गाइड कर देंगे कि आजकल कराची पाकिस्तान में जिस तरह से शादियों का सिलसिला जारी है, आपको मालूम है वेडिंग सीज़न चल रहा है, तो यहाँ पर ज़्यादातर जो कस्टमर आ रहे हैं वो किस चीज़ की डिमांड करते हैं, किस तरह का फर्नीचर? दो तीन किस्म के होते हैं इसमें हालात। एक तो सीज़न का होता है, सही, जो अक्टूबर से जनवरी का जो सीज़न है, ब्राइडल सीज़न का आता है, उसमें ज़्यादातर अखरोट और डीको वगैरह के बेड वगैरह बहुत इन होते हैं। सही, अखरोट की लकड़ी के, वॉलनट की लकड़ी के और प्लाई के। सही, नाइस। और उसके अलावा जो रेगुलर जो पूरा साल चलता है, वो सिंपल बेड्स चलते हैं, स्लेट डिज़ाइन चलते हैं, टफ्टिंग वाले, कुशन वाले। तो ये जैसे आप देख रहे हैं, ये मॉडर्न स्टाइल में बनाया है, ठीक है। इसका थ्री पीस हम सेट लगाते हैं 195 का, रिटेल। सही, माशाल्लाह से है तो बहुत ज़बरदस्त क्लासी लुक है इसका। ये कौन सी लकड़ी पे बना हुआ है? लकड़ी बना हुआ है, ये सारा कुशन का काम है इसमें। सही, बाकी सब प्लाई पे, गुलाई पे सारी लकड़ी लगी होती है, बाकी सही। ये है बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत बेड लग रहा है मुझे, माशाल्लाह से बहुत नाइस है। इसका डिज़ाइन भी बहुत ज़बरदस्त है। सो सर जी, थ्री पीस का मतलब क्या होता है? जैसे आपने बताया, थ्री पीस का मतलब होता है बेड, साइड टेबल, वन पीस, टू पीस होता है ड्रेसिंग, और फिर थर्ड पीस होता है अलमारी, वार्डरोब। सही, ये अलमारी हो गई। साइज होता है थ्री डोर की वार्डरोब। सही, इसको क्या बोलते हैं सर जी? ये सामने इसको हम बोलते हैं ड्रेसिंग। ड्रेसिंग जी। तो गर्ल्स, ये देख लें, ये ड्रेसिंग है। अब जिसकी शादी होने वाली होगी वो तो देख सकती हैं अपने लिए फर्नीचर कि किस तरह का फर्नीचर आपको लेना है। और ये जो है, ये बेड है, बहुत नाइस है। जिस तरह से आप देख रहे हैं, इसका डिज़ाइन भी बहुत नाइस है। ये अभी 2019 के लेटेस्ट डिज़ाइंस में है, ये सबसे रनिंग डिज़ाइन है हमारा। ये पर्सनली मुझे भी बहुत पसंद आ रहा, बहुत नाइस है माशाल्लाह से। थैंक यू। और ये इसके साथ ये अलमारी है इसकी, हम अलमारी भी आपको करीब से दिखा दें। अंदर सारा लेमिनेशन का काम होता है। अच्छा, लेमिनेशन का काम, लेमिनेशन का काम होता है, रेगुलर स्टेनलेस स्टील की अलग भी होती है। सही, मैं थोड़ा सा करीब आके देख लेता हूँ सर जी। ये देखें गर्ल्स, इस तरह से अंदर लेमिनेशन लगी हुई है। और बराबर वाला डोर दिखा देंगे खोल के, शेल्फ वगैरह लगे, ये शेल्फ लगे हुए। सही, जो भी काम होता है ज़्यादातर लेमिनेशन पे होता है अंदर। सही, फायदा होती है, वुड फायदा नहीं होता अंदर, लकड़ी लगाने का प्राइस बढ़ जाती है, तो बेहतर होता है कि लेमिनेशन का काम करा। सही। अच्छा शब्बीर भाई, जिस तरह से आपने बताया 195 थ्री पीस होता है, फिर इसमें जो निगोशन हो जाती है वो 15-20 की हो जाती है। सही, कर देते हैं, यानी कि बार्गेनिंग कर देते हैं, हो जाता है। चलें ठीक है, नाइस। मैं आपको बता रहा हूँ, करीबन मार्केट में इतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि कॉम्पिटिशन होते हैं, ज़्यादा हम रेट रखते भी नहीं है। सही, तो मुनासिब प्राइस होता है। अच्छा सर जी, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, जैसे कोई आपके पास शोरूम पे विजिट करना चाहे तो अपने शोरूम का आप लोकेशन बता देंगे? लोकेशन ये है कि नर्सरी फर्नीचर मार्केट, एड्रेस एग्जैक्टली 39D ब्लॉक 6 PCHS, ठीक है। और हमारा फ़ोन नंबर है, आप सेल नंबर ट्राई कर सकते हैं, 03458260052। ओके ठीक है, ये सेल नंबर है, बाकी हमारे PTCL के दो नंबर है, वो हम आपको एंड में दे दूँगा, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह दे दूंगा, ठीक है। सही, सो गर्ल्स फाइनली आप ये देख लें एक दफ़ा फिर, क्योंकि ये बेड बहुत नाइस है। और ये आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। 195 इन्होंने बताया ये बेड है, और ये इसके साथ ड्रेसिंग है, जिस तरह से आप देख रही हैं। मैं आपको दोबारा दिखा दूँ एक दफ़ा, इसका स्टाइल देख रहे हैं ड्रेसिंग का, नाइस है। कुशन भी लगाया हुआ है हमने इसमें। अच्छा, इस पर कुशन भी लगा हुआ है। सही, नाइस। सही, नाइस। तो चलें गर्ल्स, आप हमारे साथ रहिएगा, हम भाई के साथ हैं। मैं आपको दिखाता चलूँ इनका ये शोरूम है पूरा, जिस तरह से आप देख रही हैं। हम अभी आपको सब चीज़ें दिखाते हैं, आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो शब्बीर भाई, आप हमें और दिखाएंगे? हाँ, मैं आपको और बेडशीट वगैरह दिखा देते हैं, ये दो डिज़ाइन में आपको और मशीन दिखा देता हूँ, ये भी रनिंग है। ये वाला सेट जो चलता है ब्राइडल के लिए, ब्राइडल के लिए डिजाइन है, अखरोट में सारा काम हुआ है, प्लाई का काम है सारा इसमें, ठीक है। और बीच में कार्विंग भी है, इसका भी थ्री पीस सेट है, ये हम रिटेल करते हैं 190 का। 190, नाइस।
ये इसका ड्रेसिंग है, ये बेड है, इसकी अलमारी अभी हमारे स्पेस की वजह से हमने ऊपर रखी है। सही, लेकिन इसके पीछे जो आपने लुक दिया वो बहुत नाइस है। वॉलपेपर का भी काम करते हैं, ये पूरा वॉलपेपर का और बैकग्राउंड हम बनाते हैं, इसकी भी अलग से हम कोटेशन दे देते हैं। सही, ये सारी वॉलपेपर्स की बुक्स रखी हुई है इधर, और ये हमारे फैब्रिक के सैंपल्स। अच्छा, ये सैंपल्स हैं और ये वॉलपेपर भी लग जाएगा गर्ल्स, जिस तरह से आप बेड के पीछे देख रही हैं जिसकी वजह से लुक आ रहा है, तो ये भी लग जाएगा इंशाल्लाह। और ये एक और सेट हम आपको दिखाते हैं, ये देखें गर्ल्स, ये भी सेट है, स्ले डिजाइन के लाते हैं इसमें सारा, वही मैं आपको जैसे चेयर पे टफ्टिंग हुई थी ना, इसी तरह बेड पे भी पूरी टफ्टिंग हुई थी और सारा काम हुआ है, ये बना हुआ है, ये भी अफ्रोड पे बना हुआ है, साइड का काम सारा सॉलिड है। सही, ये देखें गर्ल्स, और आगे पीछे साइड प्लाई लगी हुई है, आगे पीछे प्लाई लगी हुई है, 190 का है ये सेट। सही, इसकी भी अलमारी नजर नहीं, इसकी अलमारी का ये चक्कर है कि स्पेस लिमिटेड है, तो इसकी अलमारी ऊपर देखिए, वरना हम आईपैड वगैरह में दिखा देते हैं। सही, चलें वो तो आप गर्ल्स इनसे कांटेक्ट करेंगी तो दिखा देंगे। और ये देख लें, ये इसका मिरर है, मिरर नहीं क्या बोलते हैं इसको, ड्रेसिंग, ये इसका ड्रेसिंग है। अच्छा, वो सामने जो गिलास दिया हुआ वो भी देते हैं क्या इसके साथ? वो हम लोग अलग से लॉन्ग मिरर्स भी बेचते हैं, ये सारे इम्पोर्टेंट मलेशियन और चाइनीज ग्लास मंगवाते हैं, सारे लॉन्ग मिरर ग्लासेस आके रखते हैं। अच्छा, मिल जाते हैं, यानी कि अगर लेना चाहे। कितने तक का होगा एक ग्लास? तकरीबन हम 8000 का करते हैं। 8000, सही, नाइस। सो देख लें गर्ल्स, ये भी आपको कैसा लग रहा है सेट? ये भी अखरोट की लकड़ी पे बना हुआ है, जिस तरह से भाई ने बताया कि अखरोट की लकड़ी जो है वो आजकल ज्यादातर है, ओक, शीशम, ये तीन दो इन होती है, उसके अलावा फिर बीच वुड वगैरह भी इन होती है। सही, जो भी देख रहे हैं। और ये जो सर जी, ये भी पीछे वॉलपेपर लगाया हुआ ना आपने? वॉलपेपर लगी हुई है सारी इस पे, ये भी हम लोग करवाते हैं, अभी हमने इसको 3D इफेक्ट दिया हुआ है इसमें, ब्रिक्स का और स्टोन्स का। सही, हम लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं जो वॉलपेपर वगैरह लगाए वो बेड वगैरह के साथ मैच ही करते हैं, मगर हमारा डिस्प्ले बहुत ज़्यादा जल्दी सेल हो जाता है, इस वजह से हर दफ़ा आपको नया बेड ही नज़र आएगा। सही, नाइस, माशाल्लाह से सर जी आपके पास वैरायटी बहुत ज़बरदस्त है, तो आप हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा और दिखा देंगे? ज़रूर, आपको ऊपर ले जाता हूँ, उधर और भी वैरायटीज़ आपको नज़र आएंगी। चलें, थैंक यू सो मच। सो चलें गर्ल्स, हम इनके साथ ऊपर चलते हैं, एक्चुअली इनका शोरूम बहुत बड़ा है जिस तरह से आप देख रही हैं। तो गर्ल्स फाइनली हम शब्बीर भाई के साथ ऊपर आ गए हैं, शब्बीर भाई हमें और गाइड करेंगे। जी शब्बीर भाई। अच्छा, ये बेड सेट है, वही 3 पीस मैंने पहले जैसे जिक्र किया था जी, ये इसकी ड्रेसिंग है, बेड सेट है और हमारी ये ओक में बना हुआ है। सही, ये हमारा सिंपल बेड में सबसे ज्यादा रनिंग है, ठीक है, हर साल चल जाता है, ऐसा कोई नहीं इसका कि कभी रुका हुआ है, ये अभी रनिंग डिजाइन है इसमें। अच्छा, सिंपल बेड का फायदा ये होता है कस्टमाइजेशन के ऑप्शन बहुत होते हैं, अच्छा चेंजेस वगैरह कर सकते हैं, पॉलिश हो जाती है, ड्रेसिंग के साइज छोटा करना हो, लॉन्ग मिरर करना हो, ये वो सब सही हो जाता है। सही, नाइस। वैसे कितने का सर जी, जैसे हमने ये दिखाया? ये हम रिटेल करते हैं 155 का। 155, नाइस। ये भी बहुत जबरदस्त सेट था। और ये जो सोफे लगे हुए, ये जो सोफे वगैरह हैं, ये पूरे हाई ग्लॉस लकड़ी लगी हुई है इस पर, शीशे की, ठीक है, सॉलिड काम हुआ है सारा हर जगह। सही, फैब्रिक भी इसका अच्छा, 1200 रुपए पर गज वाला फैब्रिक लगा हुआ है, तो ये आपको पड़ता है, ये सबसे महंगा सोफा है हमारा, ये 20,000 रुपए पर सीट सोफा है, 7 सीटर लेते लोग, तो 3-2-1-1 के हिसाब से 1,40,000 का। सही, ये देख लें गर्ल्स, ये इसका एक पीस ये रखा हुआ है, और ये सामने थ्री सीटर है, ये थ्री सीटर है, ये वन सीटर, और ये टू सीटर, और ये टू सीटर, नाइस माशाल्लाह। और सर जी ये टेबल भी बहुत जबरदस्त है, ये डाइनिंग टेबल का इंसाल ये है कि ये शीशम की डाइनिंग है, ठीक है, इसे अब किसी को समझ में आया तो इसे कहते हैं टफ्टिंग, जो होल्स होते हैं ना यहाँ, जी जी, जो आजकल काफी इन होते हैं, इसे टफ्टिंग कहलाती है, और ये कुशन पे होती है सारी, ठीक है। अच्छा, नाइस। 8 सीटर की डाइनिंग है, इसमें ऊपर प्लाई, नीचे प्लाई लगी हुई है, ऊपर लगी हुई 8mm की डाइनिंग टेबल, और शीशा है बेवल्ड। सही, गुलाई पे सारा लकड़ी का काम है, ये आपको पड़ेगा 1,05,000 फाइनल 1,05,000 की पूरा 8 सीटर डाइनिंग है, और फाइनल इसके 95,000। सही, मैं एक दफा अपनी ऑडियंस को दिखा दूँ, ये देख लें गर्ल्स एंड बॉयज सभी देख लें ये, तो क्योंकि ये डाइनिंग टेबल है और बहुत नाइस है, जिस तरह से भाई ने बताया इसकी लकड़ी भी बहुत नाइस है। सर जी ये बहुत क्यूट सी चीज़ पड़ी है, ये क्या चीज़ है? ये हम लोग ऐसे शो पीसेस वगैरह रखते हैं, कभी कभी होता है कि खाने के लिए चीजें वगैरह, खाने के लिए तो नहीं होती, नहीं यानी कि लोग खाने के लिए यूज करते होंगे ना, लेकिन मुझे अफ्रीका की साइड का कुछ लग रहा है, ये हमने एक्चुअली इंपोर्ट की हुई है सारी चाइना से और मलेशिया से, ये छोटी छोटी शो पीसेस आपको नजर आएंगी पूरे स्टोर, तो शो पीस वगैरह सेल नहीं करते आप? हम सेल करते हैं, बट ये होता है कि इससे थोड़ी अट्रैक्शन बढ़ जाती है, तो आइटम थोड़ा और अच्छा लुक देता है, सही, कस्टमर को लेना हो तो हम कॉम्प्लीमेंट्री भी दे देते हैं। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री भी दे देते हैं, 1 लाख की चीज ले रहे तो दे देते हैं 2,000 रुपए की। सही, नाइस, ठीक है। इसके अलावा ये एक सेट है माशाल्लाह से, ये भी अखरोट पे पूरा बना हुआ है, अखरोट की लकड़ी पे, अखरोट की लकड़ी पे बना हुआ है, और ये पूरा प्लाई का काम है, और जो कार्विंग का काम है वो पूरा सॉलिड है, ठीक है। सही, हाई ग्लॉस की फिनिशिंग भी, और ऊपर जाली का काम सारा कार्विंग पे,
नाइस, ये भी बहुत प्यारा सेट है। ये भी करीबन 280 का है, रिटेल हम लोग 250 में फाइनल करते हैं। सही, 280 का है ये पूरा सेट, थ्री पीस जो सेट होता है जिस तरह से आपने बताया। ये देख लें, ड्रेसिंग है इसके साथ, नाइस है। और ये इसका बेड है, ये भी बहुत क्यूट लग रहा है, नाइस है माशाल्लाह से। सो चलें गाइस, थोड़ा सा हम अंदर भी आपको दिखाते हैं। ये देखें जिस तरह से यहाँ पर आपको हर तरह की चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी, हर तरह के सेट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। हमारी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमसे हमारी ऑडियंस ने कहा था कि हम फर्नीचर के ऊपर वीडियो बनाएं, तो आप लोगों को आइडिया हो जाए कि क्या प्राइसेस चल रही हैं कराची पाकिस्तान में और कैसा फर्नीचर है। तो सर जी, ये भी बहुत नाइस बेड है जी, ये भी ओक पे बना हुआ है, इस पे डीको का काम, ये डीको जो आजकल बहुत लोग कहते हैं डीको क्या होता है, डीको होता है बेसिकली गोल्डन सिल्वर लीफिंग की काम होता है, ठीक है। अब ऊपर आप देखेंगे सारा डीको का काम है, वुड पे लसानी पे होता है ये फिश, और इसमें हमने मिक्स बनाया हुआ है, डीको प्लस वुड है, ओक वुड पे बना हुआ है बेड सर। सही, नाइस है, बहुत प्यारा है। आपके पास तो सारे डिजाइन बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। ये इसका ड्रेसिंग है जी, इसका ड्रेसिंग है लॉन्ग मिरर के साथ है, लॉन्ग मिरर और टू मिरर दिए हैं इसके अंदर। हां, वही लॉन्ग मिरर है और एक शॉर्ट मिरर है। सही, नाइस। इसके क्या प्राइस है सर जी? ये आपको रिटेल हम करते हैं 180 या 175। तो देख लें लड़कियां, सब लड़कियां देख लें कि आप लोगों को अगर फर्नीचर लेना होगा तो ये प्राइसेस चल रही है। हमारे साथ शब्बीर भाई हैं, बाकी आप इस प्रमोशन पे हैं तो आपको मजीद थोड़ा डिस्काउंट कर देंगे। अच्छा शब्बीर भाई, मैं बेसिकली लेडीज ड्रेसेस के ऊपर वीडियोस बनाता हूं, तो हमारी ऑडियंस ने हमसे कहा था कि हम ये फर्नीचर के ऊपर भी वीडियो बनाएं। हमारे कस्टमर्स काफी ज्यादातर एक्चुअली 50% जो मार्केट है वो लेडीज ही आती हैं, ब्राइडल सेट जब लेते हैं तो आंटियां और बच्चे वगैरह उनकी जो डॉटर्स होती हैं उनकी, क्योंकि जहेज का सामान होता है। अच्छा शब्बीर भाई, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा था। एक्चुअली मैं जब भी किसी की वीडियो बनाता हूं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर हमारी वीडियो देख के आपके पास कोई भी आए तो आप उनको प्लीज डिस्काउंट दीजिए। हम बेशक दे देंगे, आप बस इसका रेफरेंस लेके आइएगा तो हमें पता चले कि आप वीडियो देख के आए, तो फिर जो भी आपको बोलेगा वीडियो देख के आए तो आप इंशाल्लाह उन्हें डिस्काउंट देंगे, इंशाल्लाह डिस्काउंट दे देंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा शब्बीर भाई, मैं एक और बात पूछना चाह रहा था, जिस तरह से मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ये फर्नीचर भी बाहर एक्सपोर्ट होता है, तो आप लोग एक्सपोर्ट भी कर देते हैं? अगर हमारी एक्चुअली हमारी जो ऑडियंस है वो अब्रॉड से भी बहुत है, हमारी हम एक्सपोर्ट करते हैं, बट ऑब्वियसली हम लोग जो फर्नीचर हम लोग ज्यादातर पूरे घर का फिर काम लेते हैं। सही, तो ये क्योंकि अगर हम पूरा एक सेट का लेंगे और फिर एक्सपोर्ट करेंगे तो काफी महंगा पड़ जाता है। सही, तो हम जैसे 10-15 लाख का एक अगर सामान हो और उसको कंटेनर में भिजवाना हो 1-2 लाख करके, ये पाकिस्तान इज नोन फॉर इट्स वुड, क्योंकि लकड़ी का काम काफी अच्छा होता है इधर तो, और वायर जितना भी काम होता है वो मशीन बेस्ड होता है, सही, चिपकोट पे बनता है। हमारा वायर फर्नीचर है जो कि हैंड वुड है, हैंड मैन्युफैक्चरिंग होती है, हैंड वर्क होता है काफी ज्यादा, तो उसकी जो पायेदारी है जो फर्नीचर की वो काफी इन होती है, काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड लेती है। सही, ठीक है, 10-10, 15-15, 20-20 साल चल जाता है, कोई इशू नहीं आता लकड़ी दीमक का अगर लकड़ी से इस्तेमाल करें और गीली ना हो। सही, और माशाल्लाह से आपका जो काम है वो नजर भी आ रहा है, बहुत प्यारे डिजाइन है आपके पास। सो थैंक यू सो मच शब्बीर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, कोई कि आपने हमें अपने शोरूम पे विजिट करने का मौका दिया और हमारी ऑडियंस को गाइड किया, ये सब ड्रेसिंग सेट्स वगैरह और फर्नीचर के बारे में बताया। थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम, एनी टाइम। सही, थैंक यू जी। सो होप गर्ल्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल जस्ट पब्लिक टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज। एक्चुअली गर्ल्स, वीडियो बनाने की ना बहुत मुश्किल से थोड़ी सी परमिशन मिली थी, इसलिए हम थोड़ी सी वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। सो होप आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।